सेंड और रिट्रीव का एग्जांपल। पैकेज, फिर इंपोर्ट स्टेटमेंट, डू गेट को ओवर राइड करेंगे एच टी पी सर्वलेट, रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट, देन एच टी टी पी सर्वलेट, रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्स, थ्रोज आई ओ एक्सेप्शन और सर्वलेट एक्सेप्शन। ओके, अभी हम जस्ट एक कुकी लिखें कोड लिखेंगे जिसमें कुकी को रीड करने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है? यस, पहले तो प्रिंट राइटर आउट इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर। इस फाइल को सेव कर लेता हूँ ए ड्राइव में, सी वी आर JWT 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 JWT
ठीक है। अब यहाँ पे इक्वल टू की जगह पे माइनस डैश आ गया। ओके, रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर देन या टू रीड कुकी, टू रीड इनकमिंग कुकीज वी नीड टू हैव या कुकी एरे और लाइक दिस कुकीज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट कुकी, मेथड है ना, रिक्वेस्ट डॉट गेट कुकी या कुकीज है। ओके, गेट कुकीज। अब हम जस्ट चेक करते हैं। अब देखो, अगर रिक्वेस्ट में कुकीज आई होगी तो इस एरे में आ चुकी होगी। हम जस्ट चेक करते हैं यहाँ पे इफ कुकीज डॉट, ये जो एरे है, अगर कुकीज आई है एक या जितनी भी आई है तो वो सभी कुकीज इस एरे में स्टोर हो जाएगी। और अगर इस एरे में एक भी एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब कि कोई कुकी नहीं है, कोई कुकी रिक्वेस्ट में अवेलेबल नहीं है, कोई कुकी नहीं आई। तो हम जस्ट अभी यहाँ पे चेक करेंगे इफ कुकीज डॉट लेंथ इक्वल इक्वल टू 0 देन एक स्ट्रिंग लेते हैं डेटा इक्वल टू फिलहाल एम्प्टी, और डेटा में लिखेंगे H3 नो कुकीज रिसीव्ड एल्स डेटा इक्वल टू कुकीज रिसीव्ड। ठीक है, ऐसा करते हैं। और फिर इस रिस्पॉन्स को हमें राइट करना होगा, तो राइट करने के लिए हमारा जो ऑब्जेक्ट है आउट डॉट प्रिंट एल एन और इस डेटा को राइट करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस सर्वलेट को पहले कंपाइल करना पड़ेगा। जिस पाथ पे मैंने सेव किया है सर्वलेट को उस तक मुझे जाना होगा, फिर कुकी डेमो डॉट जावा, ये कंपाइल हो चुकी है सक्सेसफुली, तो
तो अब फाइल जिला के जरिए मैं यहाँ पे जो सबलेट आई क्लास फाइल कुकी डेमो डॉट क्लास, इसको मैं रखता हूँ अपने वी फॉर यू फोल्डर के अंदर क्लासेस में। कुकी डेमो डॉट क्लास आ चुकी है। अब वेब डॉट एक्स एम एल में मुझे वो मैपिंग करना होगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे मैपिंग करता हूँ मैं, ये जो 8 लाइंस है जो पिछली बार की सर्वलेट की, उसको कॉपी करके पेस्ट करूँगा और फिर यहाँ पे सर्वलेट को पहले एक यूनिक नेम दूंगा, फिर सर्वलेट के जो क्लास का नेम है वो क्या है, कुकी डेमो, और यहाँ पे भी, और यहाँ पे यूआरएल देता हूँ मैं कुकी डेम, ठीक है? अब मैं सर्विस को रिस्टार्ट करूंगा। ये एक्चुअली यहाँ पे कुकीज़ है ही नहीं, ठीक है ना? जब ये हमने लाइन कॉल की तो रिक्वेस्ट में कुकीज़ है ही नहीं, तो इस कुकीज़ एरे के अंदर कुछ आएगा ही नहीं, तो वो एक्चुअली नल रिटर्न करेगा, नल। और हम यहाँ पे उसकी साइज़ को चेक कर रहे हैं, एक्चुअली नल है तो वो साइज़ भी उसकी नहीं होगी। साइज़ 0 तो कब होगी, कि जब वो इनिशियलाइज हुआ है एरे। जावा में जब एरे बनता है, इनिशियलाइज होता है, तो अगर एलिमेंट ना होने पर उसकी साइज 0 होगी, लेकिन यहाँ पे तो उसको नल रेफरेंस मिल रहा है। इसलिए देखो ये कौन सी लाइन में एरर दे रहा है, लाइन नंबर 18, क्योंकि 18th लाइन में हमने इसे एरे को यूज किया है। तो हमें यहाँ पे कंडीशन में थोड़ा चेंज करना होगा, इक्वल इक्वल टू नल लिखना होगा, और फिर इस तरह से कुकीज इक्वल इक्वल टू नल कंपाइल करेंगे, अगेन ओवरराइट करेंगे सर्विस को, स्टॉप करके स्टार्ट करेंगे। देखो नो कुकीज रिसीव्ड। अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ F5 F5 F5, अगेन देर आर नो कुकीज, क्योंकि हमने कोई कुकी भेजी ही नहीं है। रिक्वेस्ट तो अब देखो कितनी बार आ चुकी, जितनी बार रिफ्रेश करता हूँ उतनी बार रिक्वेस्ट आ रही है, लेकिन हम कोई कुकी भेज नहीं रहे तो जाएगी ही नहीं। अब हम सपोज कुकी को भेजते हैं, ठीक है ना? पहले रीड किया हमने, फिर अब हम एक छोटी सी कुकी भेजेंगे। कुकी को भेजने के लिए कुकी ऑब्जेक्ट बनता है, यहाँ पे कुकी क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे कुकी स्मॉल में इज इक्वल टू न्यू कुकी, और नाम उसको देंगे माई कुकी, और इसको वैल्यू देंगे स्ट्रिंग NJSMTI, ठीक है ना? हमने एक कुकी बनाई यहाँ पे जिसको हमने नाम दिया माई कुकी और जिसकी वैल्यू हमने दी NJSMTI, ठीक है? अब इस कुकी को हमें रिस्पॉन्स में ऐड करना होगा। रिस्पॉन्स डॉट एड कुकी मेथड है, रिस्पॉन्स डॉट एड कुकी, और फिर यहाँ पे हमें आर्ग्यूमेंट पास करनी है कुकी, ठीक है? अब रिस्पॉन्स में कुकी ऐड हो गई, मतलब अब जब रिस्पॉन्स जाएगा तो कुकी जाएगी। इस फाइल को सबलेट को दोबारा कंपाइल करता हूं,
कंपाइल होने के बाद इसे सर्वर पे रखेंगे फाइलजिला के ज़रिए, सर्विस को रिस्टार्ट करेंगे। अब देखो ये पहली रिक्वेस्ट आई, नो कुकीज रिसीव्ड। अब मैंने रिफ्रेश किया तो जब पहली रिक्वेस्ट आई तो उसमें कुकी नहीं थी। फिर हमने मतलब हमने रिस्पॉन्स दिया क्लाइंट को कि नो कुकीज। वो जब हमारा रिस्पॉन्स गया क्लाइंट को नो कुकीज, तब कुकी भी गई। और जैसे वो कुकी गई तो साथ में रिस्पॉन्स गया तो कुकी भी गई, और कुकी के साथ कुकी की वैल्यू भी गई, और ब्राउजर ने उसको स्टोर करके रख दिया। अब जब नेक्स्ट रिक्वेस्ट आई तो उसमें कुकी आ गई। देखो यहाँ पे कुकीज रिसीव्ड। अब जितनी भी बार F5 प्रेस करेंगे कुकी आएगी, है ना? अब देखो यहाँ पे हम अगर कुकी को डिस्प्ले करना चाहते हैं, कुकी की वैल्यू, अब देखो कुकी अगर नल है तो नो कुकीज रिसीव्ड, एल्स कुकीज रिसीव्ड। और जो कुकी रिसीव हुई है उसको अगर हम रिट्रीव करना चाहते हैं तो देखो यहाँ पे जो एरे है उसमें कुकीज आ चुकी होगी। कौन सी कुकी? ये जो हमने भेजी है माई कुकी। तो इसमें से अगर हम माई कुकी को रीड करना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, कुकी एरे को हमें ट्रैवर्स करना है, लूप डाउन कुकी एरे। जो स्टेप है ना रिसीविंग कुकी या रीडिंग कुकी का जो स्टेप है, टू स्टेप, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉल द गेट कुकीज, देन सेकंड स्टेप लूप डाउन द कुकी एरे। अब हम वो करने जा रहे हैं, लूप डाउन मतलब लूप चला के उसमें। अभी हमें पता है कि केवल एक ही कुकी आई है, लेकिन इन रियल देर में बी मोर देन वन कुकीज, तो हमें उसमें से सभी कुकीज में से अपनी कुकी को ढूंढना होगा। लेकिन अभी सपोज कि हमें पता है कि एक ही कुकी आई है, और वो अगर एक ही कुकी आई है तो वो कौन से इंडेक्स पे होगी, जीरो पे होगी। तो कोई बात नहीं, हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल ले ले, कुकी वैल्यू इज इक्वल टू कुकीज, जो एरे है हमारा कुकीज, उसमें जीरो इंडेक्स पे ही अपनी कुकी होगी क्योंकि एक ही कुकी आई है, डॉट गेट वैल्यू। अब देखो अपने एरे में ये जो एरे है अपना कुकीज, उसमें जीरो क्रमांक पे जीरो इंडेक्स पे क्या होगा, अपनी कुकी, कौन सी कुकी, माई कुकी। और गेट वैल्यू करेंगे तो अपने को उसकी वैल्यू मिलेगी, कुकीज ऑफ जीरो की जो खुद एक कुकी होगी उसके द्वारा हमने मेथड कॉल की गेट वैल्यू, तो उसकी वैल्यू इसमें स्टोर हो जाएगी। और फिर हम डेटा में उसको डिस्प्ले करेंगे, डेटा में कंकेट करेंगे, अगर कुकी का नाम भी अगर डिस्प्ले करना है तो कुकी अंडरस्कोर नेम इक्वल टू गेट नेम, और यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं कुकी ऑब्जेक्ट अलग से बना ले, कुकी इज इक्वल टू, ओके वो तो हम नीचे बना रहे हैं। C equal to cookies of zero. तो जो अपनी कुकी है जो आई है उसको हमने C में स्टोर कर दिया, तो यहाँ पे अब हमें वो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, सी डॉट गेट नेम एंड सी डॉट गेट वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे डेटा में हम कॉन्केट करेंगे H4 में कुकी नेम इक्वल टू कुकी नेम, अगेन उसमें अपेंड करेंगे कुकी की वैल्यू इक्वल टू कुकी वैल्यू, ठीक है। और दोबारा कुकी सेंड तो करेंगे ही हर बार, अगर हर बार सेंड नहीं किया तो फिर वापस वो नेक्स्ट टाइम नहीं आएगी। कंपाइल करेंगे
ये स्ट्रिंग लिया, सॉरी इसको कुकी लेना है ना, कुकी सी इक्वल टू कुकीज ऑफ जीरो। हो गया कंपाइल। कंपाइल होने के बाद और फिर सर्विस को देखो, कुकी इज रिसीव्ड, कुकी नेम माई कुकी, कुकी वैल्यू एंड जेस एम टी आई। अब देखो यहाँ से इस लाइन को मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। जो नेक्स्ट रिस्पॉन्स जा रहा है उसमें मैं कुकी को सेंड नहीं करता। कंपाइल कर दिया। ओवरराइड कर दिया। अब देखो ये रिक्वेस्ट आई, रिस्पॉन्स गया। अब नेक्स्ट रिस्पॉन्स देखो, अभी जितने भी नेक्स्ट रिस्पॉन्स करता हूँ तो उन हर हर रिस्पॉन्स में देखो, हम अभी भेज नहीं रहे कुकी को, ओके। फिर भी कुकी ब्राउजर से आ रही है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने कुकी की लाइफ सेट नहीं की है, सेट मैक्स एज। पता है ना, हम जब कुकी को सेंड करते हैं तो चार स्टेप डिस्कस किए थे, चार या तीन, क्रिएट, चार स्टेप्स है, चार। क्रिएट कुकी, पुट सम डेटा, देन सेट दी मैक्सिमम एज एंड फाइनली एड दी कुकी टू रिस्पॉन्स। अगर हम कुकी की एज सेट नहीं करते तो वो बाय डिफॉल्ट सेशन लेवल कुकी रहती है, मतलब कि ब्राउजर जब तक बंद नहीं होता तब तक वो कुकी को संभाल के रखेगा, और संभाल के रखेगा तो वो सेंड भी करेगा। जो कुकी ब्राउजर के पास है वो जहाँ से आई है उसको भेजेगा ही वो, ठीक है। देखो इसको मैं वापस अनकमेंट कर देता हूँ, ठीक है। कंपाइल करूँगा और दोबारा इसी क्लास को सर्वर में ओवरराइड करूँगा, सर्विस को स्टॉप और स्टार्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम अभी दूसरे ब्राउजर से चेक करते हैं, ठीक है। अभी हमें पता है कि देखो कुकी हमने भेजी है और वो रिसीव भी हो रही है, वापस ब्राउजर के जरिए भेजी भी जा रही है। अब यहाँ पे हम लोकल होस्ट 8085 एन जे एस एम टी आई स्लैश कुकी डेमो, नो कुकीज रिसीव्ड। देखो यहाँ पे नो कुकीज रिसीव्ड आया, क्यों? क्योंकि कुकी तो ऐसी चीज़ है कि जो ब्राउजर में स्टोर होती है, तो यहाँ पे हमने जो कुकी सेंड की वो तो फायरफॉक्स में स्टोर हुई है, और अभी हम रिस्पॉन्स मतलब कि अभी जो रिक्वेस्ट आ रही है वो कहाँ से आ रही है? क्रोम से आ रही है। तो नो डाउट ये अभी हमने पहला रिस्पॉन्स भेजा क्लाइंट को, नो कुकीज रिसीव्ड। अब जब हम नेक्स्ट सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट करेंगे, मतलब कि रिफ्रेश किया, तो कुकी आ चुकी है, कुकी आ गई और यहाँ पे डिस्प्ले भी हो गई, कुकी रिसीव्ड, कुकी नेम इक्वल टू माई कुकी एंड कुकी वैल्यू इक्वल टू एन जे एस एम टी आई।
देखो, कुकीज रिसीव्ड, माय कुकी, एनजेएस, एमटीआई, ये कहाँ से? क्रोम से, क्रोम में आया। अभी अगर वापस हम चेंज कर देते हैं ब्राउजर, तो दोबारा कुकी नॉट रिसीव्ड ऐसा आएगा। ठीक है, अब ये कहाँ पे स्टोर होती है? तो हर ब्राउजर में कुकीज को हम देख सकते हैं, मिलेगी देखने को आपको कुकी, कुकी यहाँ पे कौन सी कुकी है अपनी? नाम क्या था? माय कुकी। लोकल होस्ट। अच्छा, यहाँ पे साइट का नाम लिखना है जहाँ से कुकी आई है। एक कुकी भेजी है और 3 मिनट पहले। यहाँ से हम रिमूव कर सकते हैं कुकी को, रिमूव। ठीक है, सेव चेंजेस, रिमूव। अगर कुकी को रिमूव कर दिया और अगेन यहाँ से रिक्वेस्ट करेंगे, नो कुकीज रिसीव्ड, क्योंकि क्लाइंट ने कुकीज को डिलीट कर दिया। अगेन नेक्स्ट रिक्वेस्ट आती है तो कुकीज रिसीव्ड। यहाँ पे भी ये क्रोम है तो यहाँ पे भी हमें कुकी तो मिलेगी, कुकीज। सी ऑल कुकीज, यहाँ पे कुकी को सर्च करेंगे, माय कुकी। यहाँ पे लोकल होस्ट, माई कुकी नाम है उसका, उसकी वैल्यू है NJSMTI, डोमेन लोकल होस्ट, पाथ NJSMTI, सेंड फॉर सेम साइड कनेक्शंस ओनली। बाय डिफॉल्ट ये सेम, अगर ब्राउजर से सेम सर्वर को कोई और पेज रिक्वेस्ट होता है तो भी ये कुकी सेंड की जाएगी। एक्सेसिबल टू स्क्रिप्ट, यस, क्रिएटेड ऑन This date and expires when the browser session ends. जैसे ही ब्राउजर बंद होगा ये कुकी स्टॉप हो जाएगी। अगर यहाँ से देखो हम रिमूव करते हैं तो रिमूव हो जाएगी, रिमूव नहीं करते, सपोज कि मैं ब्राउजर को बंद कर देता हूँ क्रोम को, और दोबारा क्रोम को अभी ओपन करता हूँ और लोकल होस्ट 8085 NJSMTI/cookie-demo। अगेन नो कुकी रिसीव, क्योंकि वो हमने कुकी की एज सेट नहीं की थी, तो वो क्या हो गया, वो सेशन लेवल कुकी हो गई, और ब्राउजर का सेशन जैसे ही एंड होता है तो कुकी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो अगर हम कुकी का एज सेट करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे कुकी को जब हम ऐड करते हैं उससे पहले करना होगा कुकी डॉट सेट मैक्स एज। सपोज कि हम 1 आवर तक ये कुकी को एक्टिव रखना चाहते हैं, ब्राउजर को कहेंगे संभाल के रखने को, 3600 मतलब 3600 सेकंड्स मतलब कि 1 आवर। अब हम इसे कंपाइल करके अपनी सर्वलेट को सर्वर पे दोबारा रखते हैं, सर्विस को स्टॉप करके। अब मैं ब्राउजर को देखो रिफ्रेश करता हूँ तो कुकी तो मतलब सर्वर कहाँ पे स्टार्ट हुआ यार। देखो अभी ये कुकी आ गई, ओके, हर रिक्वेस्ट में और भेजी भी जाएगी। अब हम ब्राउजर को बंद कर देते हैं और दोबारा ब्राउजर को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमने देखा कि ऐसा करने पर कुकी डिस्ट्रॉय हो गई थी। अब देखते हैं कुकी का हमने एज सेट किया है तो
एट मैक्स एज 3600 ये तो पास किया है, और नो कुकीज, मुझे लगता है वर्जन अपडेट नहीं हुआ है। सी कुकी डेमो एट मैक्स एज रिस्पॉन्स डॉट एड कुकी सेटिंग्स में जाके चेक करते हैं। यहाँ पे उसकी लाइफ तो आ गई, देखो एक्सपायर्स में जो पहले ब्राउज़र आ रहा था, ब्राउज़र एंड्स, यहाँ पे अभी टाइम आ गया 10:32, मतलब देखो अभी 9:32 को क्रिएट हुई है तो 10:32 को वो डिस्ट्रॉय होगी। ठीक है, तो ये कुकी अगर हम ब्राउज़र को बंद करते हैं और दोबारा स्टार्ट करते हैं और सेटिंग्स में जाके चेक करते हैं दोबारा कि क्या वो कुकी है या नहीं, अच्छा यहाँ पे ब्राउज़र उसको अच्छा एक्चुअली ये ब्राउज़र में ये डिलीट इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने सेटिंग में किया हुआ है क्लियर ऑल डेटा एंड When browser session ends, मैंने ये सेटिंग में किया हुआ है, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, क्लियर ब्राउजिंग डेटा, कैश एंड मोर। सी यहाँ पे एक्चुअली जैसे ही ब्राउजर बंद होता है ना तो इसमें सेटिंग किया हुआ है कि वो सब कुछ डिलीट हो जाए, इसलिए वो कुकी भी डिलीट हो गई। अभी देखा ना हमने कुकी नहीं है क्योंकि जैसे ही ब्राउज़र बंद हुआ उसने सभी डेटा बंद कर दिए। ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज, ब्लॉक थर्ड पार्टीज, सी ऑल कुकीज ऑलवेज क्लियर व्हेन विंडोज आर क्लोज, साइट्स दैट यूज कुकीज ऐड क्लियर कुकीज एंड साइट व्हेन यू क्विट क्रोम। देखो ये यहाँ पे क्लियर कुकीज एंड साइट डेटा व्हेन यू क्विट क्रोम, क्रोम को बंद करने पर कुकीज और वगैरह डिलीट हो जाना चाहिए। इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, ऑफ करने के बाद अब ये चेंजेस सेव हो चुके हैं। अब क्रोम को ओपन करता हूँ, लोकल होस्ट कुकी डेमो, अब रिफ्रेश किया तो कुकी सेंड हुई। अब क्रोम को बंद करके दोबारा स्टार्ट करेंगे लोकल होस्ट कुकी डेमो, तो देखो अभी कुकी आई क्योंकि क्या हुआ कि पहले जो सेटिंग था ब्राउजर में क्लाइंट, मतलब कि मैंने ऐसा सेटिंग किया था कि जब मैं ब्राउजर को बंद करूं तो सभी कुकीज डिलीट हो जानी चाहिए, तो भले ही हमने कुकी की लाइफ दी है लेकिन ब्राउजर का जो सेटिंग है उसके अनुसार कुकी डिलीट हो जाएगी, तो वो मैंने अभी हटा दिया। मतलब कि कुकी की जो लाइफ है तब तक वो रहेगी, तो हमने यहाँ पे 1 आवर का दिया है। तो अभी देखो ब्राउजर को बंद किया दोबारा स्टार्ट किया तो कुकी है। ठीक है ना, तो मैंने काफी बार आपको कहा कि हम ये कुकी का जो मैकेनिज्म है अच्छा है लेकिन इस पर निर्भर नहीं रह सकते क्योंकि डिपेंड्स, कंट्रोल इज इन हैंड्स ऑफ क्लाइंट, क्लाइंट उसको
कुकी को डिलीट भी कर सकता है, या उसने ऐसा सेटिंग भी किया हो सकता है कि ब्राउजर के खत्म होने के बाद, ब्राउजर का सेशन डिस्ट्रॉय होने के बाद कुकीज भी अपने आप डिलीट हो जाए, तो हो सकता है कि ऐसा क्लाइंट ने किया भी हो। ठीक है, तो ये एग्जांपल था कुकी का, छोटा सा एग्जांपल। इसमें हमने यहाँ पे लूप का यूज नहीं किया है, लेकिन इन रियल व्हेन वी आर डीलिंग विद कुकीज वी हैव टू लूप थ्रू दी कुकी एरे, बिकॉज कि उसमें काफी सारी कुकीज आ सकती है, आई हो सकती है, तो हमें पर्टिकुलर कुकी को ढूंढना होगा। जैसे कि यहाँ पे ये माई कुकी हमने नाम दिया है कुकी का, तो उस नेम के जरिए हमें उस कुकी को पहले ढूंढना होगा, फिर उसमें से वैल्यू को हम रिट्रीव करके आगे कुछ जो भी करना है कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हम ऐसा करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो आज का सेशन यहीं पे हम ओवर करेंगे, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकता है फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, हैज एनीबडी एनी डाउट?